हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बना रही हूँ गणेश उत्सव स्पेशल गणपति जी के फेवरेट मोदक। वैसे तो काफ़ी फ्लेवर्स के मोदक आपने देखे होंगे, पर जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो जस्ट 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही क्विक, क्रीमी और सॉफ्ट बनते हैं। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। मोदक बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने लिया 2 टेबलस्पून ऑफ देसी घी। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तब उसमें ऐड करेंगे 1 कप ऑफ मिल्क। मिल्क ऐड करने के बाद हमें घी और मिल्क को अच्छे से मिक्स करना है और इसे कॉन्टीन्यूसली स्टिर करते रहेंगे 1 बॉयल आने तक। और जब मिल्क में बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तब बॉइलिंग स्टेज पर हम ऐड करेंगे 1 कप ऑफ मिल्क पाउडर। मैंने मिल्क और मिल्क पाउडर की क्वांटिटी सेम ली है, जितना मिल्क उतना ही मिल्क पाउडर। मिल्क ऐड करने के बाद हमें इसे कॉन्टीन्यूसली स्टिर करना है ताकि इसमें लम्प्स ना बने। और अगर इसमें लम्प्स बन रहे हैं तो आप इसे एक विस्कर की हेल्प से विस्क कर सकते हैं। हमें इसे कॉन्टीन्यूसली मीडियम फ्लेम पर कुक करना है जब तक इसकी कंसिस्टेंसी एक मावे की तरह नहीं हो जाती। अप्रोक्स 10 मिनट कुक करने के बाद आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी थिक होनी स्टार्ट हो गई है। जो ये मिक्सचर है इसने कढ़ाई को छोड़ना भी स्टार्ट कर दिया और जैसे जैसे हम इसे फोल्ड कर रहे हैं ये वैसे वैसे फोल्ड हो रहा है। बस हमें इसे इतना ही कुक करना है। अब फ्लेम को बंद करने के बाद हम इसे एक बड़े बॉल में या प्लेट में निकाल लेंगे और इस मिक्सचर को हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे। मिक्सचर को ठंडा करने के बाद हम इसे हाथों से थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्प्स हैं तो वो स्मूथ हो जाएं। इसे हाथों से स्मूथ करने के बाद हमें एक डो की तरह इसे कंबाइन करना है। और अगर आपके हाथों में ये चिपक रहा है तो आप इसे एक स्पैचुला से कंबाइन कर लें। और कम्प्लीटली ठंडा होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। डो लगाने के बाद अब हम इसके बनाएंगे मोदक। मैं यहाँ पर आपको मोल्ड के साथ और विदाउट मोल्ड भी बनाना सिखाऊंगी। मैंने यहाँ पर एक मोल्ड लिया और उसे घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया। ये मोल्ड इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं। और अब हम इस मिक्सचर को मोल्ड में अच्छे से प्रेस करके फिल करेंगे। इसे आप अच्छे से प्रेस करें, अगर आप प्रेस नहीं करेंगे तो शेप परफेक्ट नहीं आएगी। और इसे कम्प्लीटली फिल कर देना है। और इसे फिल करने के बाद हम मोल्ड को ओपन करेंगे और मोदक बनकर रेडी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट शेप बनी है और ये कितने सुंदर लग रहे हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी विदाउट मोल्ड इसे कैसे बनाते हैं। हमें थोड़ा सा मिक्सचर हैंड में लेके एक राउंड शेप देनी है लड्डू की तरह। और इसे राउंड करने के बाद हल्के हल्के हाथों से ऊपर की तरफ एक ट्रायंगल शेप देंगे, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। और इसे ट्रायंगल की शेप देने के बाद एक फोक की हेल्प से हम इसके ऊपर कट्स बना लेंगे लाइक दिस। तो ऐसे हमारे हैंड से बिना मोल्ड के भी मोदक बन सकते हैं। ऐसे ही मैंने बाकी के सभी मोदक्स भी प्रिपेयर कर लिए। अब मोदक को थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए और फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पर एक बॉल में लिया 2-3 टेबलस्पून ऑफ हॉट मिल्क और उसमें ऐड किए कुछ केसर की स्ट्रैंड्स और हल्का सा येलो फूड कलर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब जो हमने मोदक प्रिपेयर किए हैं उन पर थोड़ा थोड़ा हम ये मिल्क डालेंगे और जो केसर की स्ट्रैंड्स थी उससे गार्निश करेंगे। गणपति जी के लिए स्पेशल सॉफ्ट मिल्की क्रीमी मोदक बनकर रेडी हैं। ये दिखने में जितने सुंदर लग रहे हैं ट्रस्ट में खाने में भी बहुत टेस्टी बनते हैं। आप सब भी इस गणेश चतुर्थी पर इसे ट्राई कीजिए, गणपति जी को भोग लगाइए। जैसे ये गणपति जी के फेवरेट हैं आपके भी फेवरेट हो जाएंगे। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी इस रेसिपी को शेयर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।